मतलब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, अगर ये प्रोडक्ट कराना है तो दो ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन उन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बट नीचे वाला ऑप्शन तो पॉसिबल है। अब अगर कोई भी तरीके से हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते तो बना सकते हैं, कहानी खत्म। तो इस केस में हम लोग का नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। कोई भी रिएक्टेंट में अगर विलियमसन सिंथेसिस बोला, जैसे मान लो ये है फिफ्थ ऑप्शन, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इधर इस पे हेलोजन हो या फिर इस पे हेलोजन हो, लेकिन अगर अराइल हाइड है तो यहाँ एसएन2 नहीं होगा, अराइल हाइड है तो यहाँ भी एसएन2 नहीं होगा, दोनों में से कहीं पे भी एसएन2 रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर दोनों में से कहीं पे भी एसएन2 रिएक्शन नहीं होने वाला, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बना पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग फोन नंबर वाला पार्ट ले, तो इधर यहाँ पे हेलोजन होना चाहिए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, या फिर यहाँ पे हेलोजन होगा तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, दोनों में से कहीं भी टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड होगा, ना पहले पे एसएन2 रिएक्शन होगा ना दूसरे पे एसएन2 रिएक्शन होगा। अगर दोनों में से कहीं भी एसएन2 रिएक्शन नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस केस में ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, आइदर हम लोगों का ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है बस उस पर हेलोजन बनाना होगा, अगर ये कंपाउंड रहा तो ब्रिज हेड के ऊपर हेलोजन, यहाँ पे एसएन2 रिएक्शन नहीं होगा, दूसरे वाले केस में भी ब्रिज हेड के ऊपर हेलोजन, यहाँ पे एसएन2 रिएक्शन नहीं होगा, तो दोनों में से कहीं भी एसएन2 रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। नीचे वाले केस में अगर ब्रिज हेड पे हेलोजन है तो यहाँ एसएन2 रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर हेलोजन है CH3X तो यहाँ पे एसएन2 रिएक्शन हो सकता है। तो अगर हम लोगों के ये सेकेंड पार्ट पे एसएन2 रिएक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये हम लोग का अल्काइल हैलाइड हो जाएगा CH3X, और ब्रिज हेड वाले पार्ट के ऊपर हम लोग आराम से O- बनाते हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, ये हम लोग का फिजिबल प्रोडक्ट हो सकता है। समझ आया? यस सर। बाकी और किसी पे डाउट हो तो पूछ लो 1 से लेके 10 तक में। सर 10 वाले एक बार बता दीजिए। 10 वाले पार्ट, 10 वाला अभी तो बताए सर, उसी में जो बोले हैलोजन ग्रुप है तो फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे सिंपली ये चीज सोच के देखना कि ये हम लोगों का रिएक्टेंट था, तो हम लोग कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आइदर हम लोग, एक मिनट इसको नीचे लिख देते हैं, ये हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट देना है, मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू इथर बनाना है, तो ये कहाँ कहाँ से बन सकता है, तो अपने पास दो ही ऑप्शन है, जैसे मान लो ये है RX है और इसका रिएक्शन R-O के साथ करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ROR- तो ROR- का मतलब है कि आइदर हो सकता है कि R के साथ X हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी R- के साथ X हो और RO- हो, दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट ले यही प्रोडक्ट बनना है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है चंदन? यस सर। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है तो उल्टा भी तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि आइदर RX होगा या फिर R-X होगा। तो बस ये देख लेना कि RX पे SN2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, R-X पे SN2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर केवल पहले पे SN2 होगा तो ये पॉसिबिलिटी, अगर केवल दूसरे पे SN2 होगा तो केवल दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर दोनों पे SN2 होगा तो दोनों पॉसिबिलिटी, और अगर दोनों में से कहीं भी SN2 नहीं हो सकता, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ठीक है? Yes, sir. तो जैसे मान लो ये रिएक्शन दे रखा था PH-OPH, तो इस केस में PH के साथ X, PH के साथ X, इस पे SN2 रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस पे SN2 रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दोनों में से अगर किसी भी SN2 नहीं हो सकता, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है? ये मान लो अगर दे रखा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10 में था, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये सब याद रखना पड़ेगा, ब्रिज हेड के ऊपर अगर हैलोजन है तो SN2 नहीं हो सकता, इधर SN2 हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर यहाँ SN2 हो सकता है तो आराम से ये अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब CH3X हम लोग का अल्काइल हैलाइड होगा, बाकी बचा पार्ट क्या, तो उस ब्रिज हेड वाले पार्ट पे O-, तो ये अल्कोक्साइड आयन और ये अल्काइल हैलाइड, आराम से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? अगर और कोई डाउट नहीं है बोलो। सर टेस्ट में सर सिलेबस के बाहर बहुत क्वेश्चन आ जाता है। मतलब वो चैप्टर मतलब सिलेबस में रहता नहीं, फिर भी आ जाता है, जैसे इस बार केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूरा भरा हुआ था। इनऑर्गेनिक में तो पूरा पढ़े भी नहीं, 15 क्वेश्चन हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
उतना हम लोग पढ़े भी नहीं थे। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या? नहीं सर, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हम तो उत्प्रेसर से पेपर में आता है ऐसा C2H5OH का रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ कराए, प्री प्रोडक्ट बना। तो जो प्रोडक्ट बना उसका रिएक्शन हम लोग मान लो ऐसा दे रखा CH3Br के साथ कराए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यू प्रोडक्ट। तो उस केस में सबसे पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगा वहां पे H+ को हटाएंगे, Na+ के साथ कंबाइन कराएंगे इस नेगेटिव पार्ट को, तो प्रोडक्ट में आराम से H2 को लिबरेट करने के बाद C2H5ONa का फॉर्मेशन होगा। फिर यही O- इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से SN2 रिएक्शन करा के विलियमसन सिंथेसिस कैरी आउट करेगा, तो C2H5OCH3 आराम से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करा सकता है। समझ में आया? ये सवाल तो बनने लायक है, मतलब मेरे हिसाब से बनने लायक सवाल था। और इसके बाद कौन से सवाल में दिक्कत आया? मर कैप्टन सवाल बताओ यार, डूब मरो कहीं जा करके तुम लोग, कैसे नालायक लोग है। नोमेनक्लेचर में सबसे शुरुआत में हम लोग 12 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं, जिसमें SH जो होता है जिसको थायोल भी बोलते हैं, उसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है वो मर कैप्टो बोला जाता है, तो वहां से रिलेट नहीं कर पाता है। बताओ तुम लोगों का नोमेनक्लेचर एकदम डूबा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को नोमेनक्लेचर सॉल्व करना पड़ेगा। रुको, तुम लोगों को हम 11th क्लास का फिर से होमवर्क देना शुरू करते हैं। हो गया है ना लायक, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे तो तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला है अच्छे अगले साल। तो मर कैप्टन वाला पार्ट सीधा थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल मतलब SH, आर ओ एच के जगह पे आर एस एच डालेंगे तो उसको मर कैप्टन बोल सकते हैं। फिर उसके अलावा क्या है? Which one of the following reagent is not suitable for the elimination reaction? कौन सा suitable reagent है? सर इसमें not नहीं देखे। लोग गधा आदमी है। कौन सा इसमें reaction बाहर का था? तीन reaction बाहर का दिखाई दिया हमको। एक ये सवाल दिया बाहर का, एक सिंदूर वाला चीज बाहर का दिखाई दिया, अरे ये सवाल बाहर का दिखाई दिया, तीन सवाल बाहर का है। उसमें भी सिंदूर तो ऐसा है कि क्लास 12 में अगर स्कूल में भी पढ़े होंगे तो याद होगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बात अलग है, बट अदरवाइज वो इसीलिए सवाल डाला होगा कि स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इसको। और एल्युमिनियम का ये रिएक्शन क्लास 11th क्लास का रिएक्शन है, तो अगर स्कूल के लिए पढ़ा हुआ तो याद होगा, बट चलो ठीक है उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। बट बाकी सारा रिएक्शन सॉल्व करने लायक है इसमें, ऐसे थोड़े चलेगा काम। और कोई डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन भेजा है डाउट वाले में, एक क्वेश्चन भेजा है डाउट वाले में। अच्छा सर हम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। क्या डाउट ग्रुप में ऐड करो, हमको मैसेज मत करो, एक नंबर दे रखा है 7061 वाला, उससे मैसेज करो। सर ये नहीं, ये तो पहले का था। हां ये सवाल, ये सर ठीक, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन सर क्या है? ऑप्शन सारा नहीं आया, तीन ही आया इसमें। ऑप्शन सारा नहीं आया, तीन ही आया, तो हम क्या करें इसमें? अगर मान लो रिएक्टेंट दे रखा, कार्बन 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 और यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इसका रिएक्शन दे रखा है NH2- के साथ, तो NH2- वाला जो पार्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आराम से E2 एलिमिनेशन फॉलो करना चाहेगा, मतलब NH3 अगर होता तो सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो आराम से E2 एलिमिनेशन फॉलो करना चाहेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाए, यहाँ से CH हटा, क्लोरीन हटा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, एक और क्लोरीन हटेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर आराम से ठीक तो ऑप्शन दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड ऑप्शन। एल्कोहलिक बेस में NH2 कराते हैं क्योंकि एल्कोहलिक बेस काफी स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट हो जाता है, लेकिन NH2- ये सब और भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब आराम से एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिडर कराया जा सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी NH2- दे रखा होगा तो एलिमिनेशन कंसिडर कर लेना। जैसे एक चीज सोच के देखो कि जो अमोनिया है NH3, अमोनिया ही बेसिक नेचर का होता है, अमोनिया कंपाउंड ही बेसिक नेचर का होता है, ऑलरेडी ये बेस है बट फिर भी हम H+ हटा दिए इससे, तो बेस है और फिर भी हम लोग जबरदस्ती H+ हटा दिए तो बेसिक बिहेवियर और बढ़ जाएगा, पहले से बेस था तो हम लोग उसमें H+ ऐड करने के बजाय और H+ हटा ही दे रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो आराम से बेस के जैसा बिहेव करेगा, E2 एलिमिनेशन कैरी आउट करा सकता है। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? चलो, लास्ट क्लास में हम लोग
ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों का विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो ये था, चलो ठीक है, लेक्चर नंबर 18 हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर कंप्लीट करो भाई, तुम लोग नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं कर रहा है, गुस्सा हमको दिलाएगा तो फिर एक दिन क्लास से भगाएंगे और फिर बोलेंगे नोमेनक्लेचर याद करके आओ। मरकैप्टन तुम लोग को नहीं मालूम, बताओ यार डूब मरो। तुम लोग इस बार का पेपर देखा है नीट का कैसा घटिया पेपर है, उसका पेपर देख के तुमको समझ नहीं आया कि तुमको सब कुछ याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब याद रखो एक एक क्या एक रिएक्शन आया था, एक रिएक्शन नहीं, रिएक्शन आया था नहीं आया था कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एक एक पॉइंट याद रखना है तुम लोगों को थ्योरेटिकल, एकदम बिल्कुल एक एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा एनसीईआरटी से, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो जैसे हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर वाले पार्ट के डिस्कशन कर रहे थे, तो एक तो हम लोग विलियमसन सिंथेसिस का डिस्कशन कर लिया है, बट विलियमसन सिंथेसिस के बाद अब हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि ईथर वाला पार्ट हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करा सकता है, मतलब किस तरीके से हम लोग इस पे रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दो तीन चीजें एकदम ध्यान रखना कि हम लोगों का आर ओ माइनस बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो आर ओ माइनस हटना नहीं चाहेगा, अगर हटना नहीं चाहेगा तो इन जनरल काफी अनरिएक्टिव नेचर का होता है ये चीज, मतलब इथर वाला पार्ट काफी अनरिएक्टिव नेचर का होता है, हम लोग इन जनरल इसको इनर्ट नेचर का ही मानते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट नोट भी करते जाओ, उसमें एक काम करना है ऐसा नोट कर लेना, रिएक्शन ऑफ इथर और साइड में लिख लेना वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, और इसमें एक पॉइंट मेंशन कर लेना, मोस्टली इथर्स आर इनर्ट टू रिएजेंट्स। जैसे एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, जब हम लोग SOCl2 का रिएक्शन कराते हैं या फिर PCl3 PCl5 का रिएक्शन कराते हैं तो हर जगह पे हम लोगों का इथर वाला पार्ट रिएक्शन नहीं कर रहा था, मतलब R वाला पार्ट में अगर PCl3 PCl5 का रिएक्शन कराया था तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है तो हटने की टेंडेंसी में नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इस ऑक्सीजन पे एसिडिफिकेशन कर दे, एसिडिफिकेशन करने का मतलब है कि हम लोग H+ का एडिशन करा दे, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में बस हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, दे कैन रिएक्ट विद एसिडिक मीडियम ओनली, React with लिख लो या React in लिख लो, they can react in acidic medium only। और उसके पीछे भी reason ये है कि अगर हम लोग का एक ether वाला part है, अगर इसमें हम लोग acidification करा दे, तो इस case में R के साथ oxygen, फिर R oxygen के ऊपर hydrogen का addition होगा, positive charge बनेगा, तो इसके वजह से either ROH बन सकता है या फिर R- चलो यहाँ R- ले लेते हैं, या फिर R-OH बन सकता है, दोनों में से जो कुछ भी बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग का दूसरा पार्ट अगर मान लो कि आर ओ एच बनाना है तो इस केस में इस R- को रिएक्शन करा सकते हैं, अगर R-OH बनाना है, ये चीज R-OH बनाना है तो आराम से R वाले पार्ट पे रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग के ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो आराम से हम लोग का जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कैरी आउट कराते हुए काम कर सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराना है तो हम लोग अभी तक कौन कौन से रिएजेंट देखे थे, तो हम लोग के अल्कोहल के रिएजेंट्स में एक रिएजेंट था अपना HX वाला पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हम लोग का लिक्वास रिएजेंट भी दे रखा था, और दूसरा पार्ट था हम लोग का वाटर के केस में H+, मतलब डाइल्यूट एसिड दे रखा हो या H3+ दे रखा हो या D3+ दे रखा हो, ये दो रिएजेंट था। तो एक तो हम लोग रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें भी मोस्टली हम लोगों को इससे काम है HI, मतलब मोस्टली हम लोग HI वाले पार्ट से काम है, बाकी पार्ट से उतना काम नहीं है। और जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन होगा तो इन जनरल रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोला करते हैं, तो इस चीज को हम लोग आराम से हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर के हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं।
यही दो रिएक्शन है जो इथर का रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। इन दो हेडिंग्स हम लोग को एक एक करके डिस्कस करते चले जाना है। ये ऊपर का पार्ट मगर मेंशन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। रिएजेंट केवल मेंशन कर लो, आइदर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा जिसमें हम लोग को मोस्टली हाइड्रोजन आयोडाइड लेके चलना है, और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो। और हेडिंग वाले पार्ट में पहले हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं। हेडिंग डाल दो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। चलो ध्यान दो, सबसे पहला पार्ट तो ये, जैसे अगर मान लो हम लोग इथर वाला पार्ट दे रखा, इसका रिएक्शन हम लोग HX के साथ कराते हैं, तो हम पहले मैकेनिज्म मेंशन कर रहे हैं, मतलब मैकेनिज्म के साथ ही साथ प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, HX में H+ है, तो आराम से लोन पेयर वाला ऑक्सीजन H+ के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको यहाँ से हटाएगा। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन चेन, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ हम लोग इसके अलावा एक्स माइनस का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये तो हमेशा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके ये मालूम करना है कि SN1 होगा कि SN2 होगा। उसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम लोग का कौन सा कार्बन चेन है। अगर कार्बन चेन वाला पार्ट 1 डिग्री रहा तो प्रेफरेबली SN2 होगा, अगर 3 डिग्री रहा तो प्रेफरेबली SN1 होगा, अगर 2 डिग्री रहा तो SN1 SN2 दोनों हो सकता है। हम लोग हैलोजन के ऊपर सब कुछ डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन होता है। क्यों ऐसा होता है उसके पीछे हम लोग ये इथर वाले पार्ट को बता सकते हैं, क्योंकि इथर वाला पार्ट अगर हम लोग का रिएक्टेंट है तो इथर तो सॉल्वेंट के जैसा ही बिहेव करता है, और सॉल्वेंट वाले पार्ट में जो ड्राई इथर है पोलर एप्रोटिक मीडियम है, और पोलर एप्रोटिक मीडियम वाला पार्ट हम लोगों के SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। तो हम लोग का पोलर एप्रोटिक मीडियम वाला पार्ट, मतलब भले ही रिएक्टेंट है बट रिएक्टेंट वाला पार्ट सॉल्वेंट के जैसा भी बिहेव करेगा, और पोलर एप्रोटिक मीडियम क्योंकि SN2 को फेवर करता है तो इस वजह से हम लोग का इस सिनेरियो में SN2 वाला पार्ट ज्यादा फेवरेबल है। जबकि जब हम लोग अल्कोहल लेके चले थे तो अल्कोहल में बोले थे हम कि वहां पे अल्कोहल वाला पार्ट पोलर प्रोटिक मीडियम है, वहां पे प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में पहले स्टेप में तो ये बनेगा, दूसरे स्टेप में SN1 होगा SN2 होगा, वो हम लोग के मन के ऊपर है, मतलब मन के ऊपर नहीं गिवन कंडीशन के ऊपर है, जो कुछ भी होगा। तो इस केस में प्रोडक्ट में एक तो ROH बन सकता है, जब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ROH बनेगा, और R के ऊपर हैलोजन का एडिशन होगा, मतलब आराम से RX बन सकता है। अगर हम लोगों का रिएक्शन वाले पार्ट में लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हैलोजन का एडिशन होगा और यहाँ से ROH का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम लोगों को SN1 SN2 को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का रिएक्शन होना है, उसके हिसाब से किस कार्बन का रिएक्शन होगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में लेकिन एक अल्कोहल बनेगा और एक हम लोग का अल्काइलाइट बन सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक मोल लेके चले तो एक मोल में हम लोग ऐसा लिखे प्रोडक्ट में आर ओ आर और एच एक्स, एच एक्स का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ, कार्बन के ऊपर हैलोजन ऐड हुआ। तो जब एक मोल हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराए तो हम लोग को अल्काइल हैलाइड बना, साथ ही साथ अल्कोहल बना। बट हम लोग अल्कोहल के साथ भी तो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा सकते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हम लोग HX के साथ करा सकते हैं। फिर से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ऐड होगा, कार्बन के ऊपर हैलोजन ऐड होगा और दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से हम लोग के प्रोडक्ट में अल्काइल लाइट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अपने H2O का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ अल्काइल लाइट का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग का जो रिएक्शन है वो एक स्टेप के बाद रुके नहीं, यहाँ पे इस ROH में फर्दर हम लोग HX का एडिशन करा के प्रोडक्ट में आराम से RX प्लस H2O का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब ये सब कुछ डिपेंड करेगा अपने गिवन कंडीशन के ऊपर, अगर एक मोल दिया
तो हम लोग एल्कोहल प्लस अल्काइल लाइट पर रुक जाएंगे। अगर दो मोल दिया तो हम लोग दो अल्काइल लाइट बनाएंगे और साथ ही साथ एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। वैसे हम लोग क्वेश्चंस में इस चीज को डिस्कस करेंगे, अभी के लिए पहले रिएक्शंस को नोट कर लो, केवल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का रिएक्शन मेंशन कर लो। इस पार्ट को छोड़ देना, ये अपने काम करने है। पर इसको नोट करने के बाद कुछ कुछ पॉइंट बस मेंशन कर लेना। पॉइंट तो बेसिकली वही है कि आर वाला पार्ट और आर डैस वाला पार्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या क्या कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। अगर हम लोग का ये इथर वाला पार्ट है आर ओ आर डैस, तो आर डैस और आर के डिग्री के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर दोनों के केस में 1 डिग्री है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो 1 डिग्री वाले पार्ट में हम लोग प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन कराएंगे। दूसरा अगर हम लोगों का 2 डिग्री वाला पार्ट दे रखा होगा तो 2 डिग्री वाले पार्ट में भी हम लोग प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन कराएंगे। अगर हम लोगों का 3 डिग्री वाला पार्ट दे रखा होगा तो उस केस में हम लोग प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन करा के आराम से काम कर सकते हैं। डिफरेंस केवल एक जगह पे आएगा, जैसे अगर आर और आर डैस में हम लोगों का एक जगह 1 डिग्री है, एक जगह 2 डिग्री दे रखा, तब उस केस में क्या काम करेंगे। एक जगह 2 डिग्री है, एक जगह 3 डिग्री है, तो उस केस में क्या काम करेंगे। इन सब सिनेरियोस को थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो जैसे एक चीज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फिर से, आर वाला पार्ट और आर डैस वाला पार्ट, अगर ये पार्ट 1 डिग्री है और ये पार्ट 2 डिग्री है तो इस केस में हम लोग SN2 कराएंगे। और फिर इस चीज को ढंग से सुनना, अगर आर वाला पार्ट 1 डिग्री है, आर डैस वाला पार्ट 2 डिग्री है, तो दोनों तरफ से हम लोग SN2 रिएक्शन मिलना है। तो SN2 में ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, 1 डिग्री का या 2 डिग्री का? ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो इस केस में हम लोग का रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो आर वाले पार्ट के ऊपर होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। मतलब अगर पहला सिनेरियो हुआ तो हम लोग का रिएक्शन है 1 डिग्री कार्बन पे होगा। दूसरा पार्ट हम लोगों का, अगर मान लो ये केस रहा कि आर वाला पार्ट हम लोगों का 1 डिग्री है, या फिर ऐसा ले लेते हैं आर वाला पार्ट हम लोगों का 3 डिग्री है और आर डैस वाला पार्ट हम लोगों का 2 डिग्री है, तब इस केस में क्या होगा। तो 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होता है प्रेफरेबली, और 2 डिग्री में SN2 रिएक्शन। तो 3 डिग्री पे SN1 होना है और 2 डिग्री वाले पार्ट पे SN2 होना है, और 2 डिग्री पे ना SN2 का रेट ज्यादा होता है ना SN1 का रेट ज्यादा होता है, 2 डिग्री पे दोनों का रेट कम हो जाता है, जबकि 3 डिग्री पे SN1 का रेट काफी हाई होता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन रहा 3 डिग्री और 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री भले ही SN2 प्रीफर कराएगा और 3 डिग्री भले ही SN1 प्रीफर कराएगा, लेकिन SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हायर होगा एज कम्पेयर टू 2 वाले पार्ट का SN2। तो इन दोनों के सिनेरियो में हम लोग प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन कराएंगे।
आराम से 3 डिग्री वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा। इससे मतलब नहीं है कि R वाले पार्ट में हम लोगों 3 डिग्री दे रखा कि R' वाले पार्ट में, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जहां भी 3 डिग्री है वहां वाले पार्ट पे हम लोग आराम से रिएक्शन कंसिडर कराते हुए वहीं से प्रोडक्ट बनाएंगे। इस एक सिनेरियो का ध्यान रखना, मेन ये पार्ट एक होता है जो ऑल्दो मेरे हिसाब से ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता भी नहीं है। एक पार्ट अगर 1 डिग्री हो गया और एक पार्ट 3 डिग्री हो गया तो क्या करें? तो जब 1 डिग्री होगा तो इसमें SN2 का रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाता है, जब 3 डिग्री होगा तो इसमें SN1 का रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाता है। तो एक पार्ट SN1 को हाईली फेवर करेगा, एक पार्ट SN2 को हाईली फेवर करेगा। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में 2 सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो ये कि अगर हम लोग का एनहाइड्रस मीडियम दिया तो क्या करेंगे? एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ बिना पानी का। अगर एनहाइड्रस मीडियम दिया तब हम लोग का SN2 होगा प्रेफरेबली। बट दूसरा सिनेरियो, अगर हम लोगों का हाइड्रेटेड मीडियम दे रखा होगा, मतलब वाटर वाला पार्ट दे रखा होगा, या फिर एनहाइड्रस नहीं दे रखा होगा, ठीक है, हाइड्रेटेड दे रखा होगा वर्ड, या फिर नो एनहाइड्रस दे रखा होगा, मतलब ऐसा लिखेगा नहीं कि एनहाइड्रस नहीं है। तो अगर एनहाइड्रस दे रखा तो एनहाइड्रस है, अगर एनहाइड्रस नहीं दे रखा तो नॉट एनहाइड्रस ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में SN1 वाला पार्ट प्रेफरेबली होगा। अगर एनहाइड्रस रहा मतलब पानी नहीं है तो पोलर प्रोटिक मीडियम नहीं है। अगर एनहाइड्रस वाले पार्ट का सिचुएशन नहीं दे रखा मतलब हाइड्रेटेड है तो मीडियम में पानी एग्जिस्ट कर रहा, और अगर मीडियम में पानी एग्जिस्ट कर रहा तो प्रेफरेबली SN1 रिएक्शन कराएंगे। तो अगर ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ 1 और 3 डिग्री का तो हम लोगों के एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड मीडियम के ऊपर सब कुछ चला जाएगा। अगर एनहाइड्रस हुआ तो SN2 रिएक्शन, अगर नहीं रहा तो उस केस में SN1 रिएक्शन। ये 3 कॉम्बिनेशन का थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है। नोट कर लिए दोनों पार्ट, बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से बात करते जाएंगे। NCERT में तो ये दे भी नहीं रखा है, NCERT में केवल ये मेंशन किया है कि HI का रिएक्शन होता है, तो अल्कोहल में रिएक्शन देखना। उसमें बस ये बोल रखा है कि HI में I- उस कार्बन चेन की तरफ जाएगा जिसका साइज छोटा है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ दे ही नहीं रखा, सीधा ये बोला है कि I- उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसका कार्बन चेन का लेंथ छोटा है। तो कार्बन चेन का लेंथ छोटा होने का मतलब I- प्रेफरेबली SN2 रिएक्शन कराता है। तो I- सीधा SN2 रिएक्शन में जाएगा, अब SN2 में जाएगा तो जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस का है वही रिएक्शन होना चाहिए। तो ये बहुत इनकम्प्लीट टाइप का स्टेटमेंट है, लेकिन NCERT में बस इतना ही दे रखा है, वो भी हमको ध्यान नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ। बट अल्काइल हैलाइड वाले टॉपिक में या एल्कोहल वाले टॉपिक में एक सॉल्ड एग्जाम्पल टाइप का पार्ट है, उसे जस्ट पहले 1 या 2 लाइन में दे रखा है, केवल 1 या 2 लाइन में। एक बार रीड करके देखने NCERT पता चल जाएगा। नोट कर लो बाकी पार्ट को। और इतना छापने के बाद फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इस चीज को ढंग से समझना, और उसके बाद फिर आराम से क्वेश्चन वाले पार्ट को ट्राई करते जाना। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, और तुमको केवल प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना है, मैकेनिज्म भी मेंशन करना है कि कौन से केस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, तब किस कार्बन पर रिएक्शन होगा। फाइंड द प्रोडक्ट,
चलो ध्यान दो, अभी शुरू के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, इस चीज को ढंग से समझते हुए चलना। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल दे रखा फाइंड द प्रोडक्ट, तो इस केस में करना कुछ नहीं, सबसे पहले तो तुम लोगों को ये करना है कि ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन एडिशन करा लेना, बस ऐसा अजम्पशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कार्बन का डिग्री देखना, जो दोनों कार्बन है, तो पहले कार्बन में मिथाइल दे रखा, मिथाइल में तो SN1 रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इस पे SN2 हो सकता है। दूसरे कार्बन में मिथाइल दे रखा तो इस पे भी SN2 हो सकता है। दोनों ही अगर मिथाइल है, दोनों पे SN2 है, तो किसी पे SN2 कराओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम ये सेकेंड वाले पार्ट पे SN2 करा रहे हैं, तो सेकेंड पे SN2 कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन का और ये दूसरे कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पहला चीज। और जो हम लोग का आयोडीन है मतलब हैलोजन, उसको आराम से इस पे ऐड करेंगे, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से CH3 के साथ OH वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ CH3 के साथ I का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हम एक मोल मान के चल रहे हैं अभी के लिए, हर जगह पे एक एक मोल लेके चलेंगे। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 OCH3 वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराए, फिर दोनों कार्बन का डिग्री देखे, दोनों का कौन सा रिएक्शन होगा डोमिनेटिंग, ये चीज देखेंगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। पहला रिएक्शन नोट करो, फिर दूसरा एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड वाले केस पे ध्यान दो, सेकेंड वाले केस में अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहला चीज ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हम हाइड्रोजन का एडिशन किए, उसके बाद ऑक्सीजन जो दोनों कार्बन से अटैच्ड है उन दोनों कार्बन को देखो। तो सबसे पहले ये लेफ्ट वाले कार्बन को देखे, इसका डिग्री क्या दिख रहा, तो 1 डिग्री कार्बन है। दूसरे वाले कार्बन पे वापस से 1 डिग्री कार्बन, एक्चुअली मिथाइल है तो 1 डिग्री पे नहीं है, बट चलो ठीक है 1 डिग्री बोल देते हैं। 1 डिग्री कार्बन पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो SN2 रिएक्शन होगा। दूसरे साइड में मिथाइल है, कौन सा रिएक्शन होगा, तो SN2 होगा। अब अगर दोनों पे SN2 रिएक्शन होना है तो फिर ये देखो कि दोनों में से किसका SN2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो हम लोगों का लेफ्ट वाले पार्ट में मिथाइल ग्रुप है, राइट वाले साइड में मिथाइल ग्रुप है, ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, तो राइट वाले साइड का, मतलब हम लोग का रिएक्शन राइट वाले साइड में होगा। अगर राइट वाले साइड में रिएक्शन होना है तो सिंपली इस कार्बन पे और इस ऑक्सीजन वाले पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक करो, कार्बन के ऊपर जो हम लोग का हैलोजन है आयोडीन, इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से जो इथाइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन चला गया जिसके ऊपर एच होगा, और दूसरे साइड से हम लोग को CH3 के ऊपर आराम से आयोडीन का एडिशन मिल जाएगा। ये हम लोग का एल्कोहल और ये अल्काइल लाइट, हर जगह पे अभी हम 1 मोल रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं, 2 मोल रिएक्शन लेकर के नहीं चल रहे, नोट कर लो। और कोई डाउट होगा किसी स्टेप में तो पूछते जाना। थर्ड वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, सबसे पहला काम ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराए, चलो करा दिया। उसके बाद कार्बन का डिग्री देखे, तो लेफ्ट वाले साइड में जो कार्बन है इसका डिग्री हमको 2 दिखाई दे रहा, राइट वाले साइड में कार्बन का डिग्री 1 दिखाई दे रहा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन में
टू डिग्री तो SN2 देगा और वन डिग्री तो SN2 देता ही है, दोनों ही SN2 देगा। अब अगर दोनों SN2 देगा तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है वन डिग्री SN2 के लिए, तो ऑब्वियस बात है वन डिग्री पे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो पहले दोनों कार्बन का डिग्री देखो, दोनों कार्बन में ये देखो कि ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है, पहले तो रिएक्शन कौन सा होगा ये देखो, फिर ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है। तो दिख रहा है कि वन डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और उसमें आयोडीन का एडिशन हो जाएगा। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का ये तो अल्कोहल बनने वाला है और बाकी बचे पार्ट में हम लोगों का आयोडीन का एडिशन होकर के अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, नोट कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना, और अगर डाउट नहीं है तो आगे के कुछ क्वेश्चंस को तुमको खुद से ट्राई करना है। हर एक केस में मैकेनिज्म कौन सा होगा ये मैकेनिज्म वाला पार्ट ध्यान रखते चलना है, मतलब बिना मैकेनिज्म के आंसर मत करना, अभी आदत डालो मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा उसके बाद हमको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा खुद ही आंसर अपने आप चला जाएगा। शुरू में एक एक छोटे से छोटे स्टेप्स को सुनो, उसको फॉलो करो। एक तुम लोगों को हम बुक भी भेज देंगे, फॉलो ग्रुप का एक PDF है मेरे पास पड़ा, वो बुक भी हम तुमको भेज देंगे। अगर तुमको रेफरेंस लेना है तो उस बुक को रीडिंग करना, पूरा बुक रीडिंग नहीं करना, जो बोलेंगे बस उतना ही पोर्शन रीड करके देखना कि चलो इस पोर्शन को रीड करके देखते हैं, इस पोर्शन को रीड करके देखते हैं, तो उससे तुम लोगों का काम हो जाएगा आराम से। और हर एक केस में अभी वन मोल रिएक्शन करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ट्राई करते जाओ सवाल आगे। और ऊपर के कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना, जो लिस्ट में लिखाया था उन कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा भारी भारी भी सवाल करा रहे हैं, जो चीज बेसिक्स अभी तक पढ़ाया है उन सबसे सवाल आसान भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो 11।
वैसे हम लोगों का एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो हम लोगों का जो ऐप है जो हम लोग प्ले स्टोर पर डलवा रखे हैं 1000+ डाउनलोड हो गया है, मतलब ऐप का 1000+ यूजर चल रहा है, हम लोग लाइव 1000+ यूजर चल रहे हैं। अच्छा लगा देख करके, कल ही हम देखे थे तो बड़ा पार्टी करने को मन किया हम लोगों को, चलो अब तो पार्टी कर सकते हैं। 1000 को 10000 करवाओ तुम लोग, बोलो अपने दोस्त लोगों को आराम से टेस्ट वेस्ट दे, प्रैक्टिस करे। इस साल हम लोग सोचे भी हैं कि जो टेस्ट सीरीज होगा मेडिकल का और इंजीनियरिंग का, उसको हम लोग ओपन फॉर ऑल कर देंगे ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपीयर हो सके, तुमको भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो आराम से ज्यादा लोगों से कॉम्पीट करने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखना, अपने फ्रेंड लोगों को बोल देना जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है अपना, आराम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए बात कर लेगा हम लोगों से। चलो बनाओ फटाफट सवाल बनाओ, डिस्कशन करते हैं शुरू। चंदन तुम्हारा केमिस्ट्री में इतना नंबर कम क्यों है? सर नेगेटिव हो गया था वो। अरे नेगेटिव हो गया था, हमको भी समझ नहीं आता इतना थ्योरेटिकल टॉपिक में अगर सवाल नहीं बनेगा या बनेगा नेगेटिव कैसे हो जाता है? नेगेटिव का मतलब ये है कि तुमने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। तुक्का थोड़ा ना मारना है जी, बनना है तो बनेगा, नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, एक बार मत प्रैक्टिस करो, थोड़ा तरीका चेंज करो, ज्यादा बुक से चक्कर में मत पढ़ना। लास्ट ईयर के स्टूडेंट, उससे पहले साल के स्टूडेंट सब लोग यही करते, पहले एक बुक बनाया फिर दूसरा बुक बनाया, उससे नेगेटिव नहीं सुधरेगा, तरीका चेंज करो। तुम लोग नहीं तरीका चेंज करेगा तो एक साल के बाद आकर के बोलेगा सर ये गलती हो गया, फिर टाइम निकल जाता है तब तक। जो 2 बुक तुम लोग को बोला हुआ है, 2 बुक मतलब बुकलेट और A to Z, बस उन्हीं क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो। बहुत बोरिंग काम है ये, बहुत बोरिंग काम है, लेकिन करना वही है। और अगर इसको बोरिंग से थोड़ा चेंज करना है तो उसका उपाय है कि सिंपली मतलब ऐसा करो कि एक मान लो मतलब टारगेट लेकर के चलो कि जैसे मान लो मेरे पास बुक में 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम 50 मिनट का भी टाइम नहीं लेंगे, डिपेंड करेगा मेरा टॉपिक कौन सा। अगर मान लो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तो हम 50 क्वेश्चन 50 मिनट में या 60 मिनट में ट्राई करेंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है तो 50 मिनट में ट्राई करेंगे। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है तो हम 30 से 40 मिनट में ट्राई करेंगे उसको। तो टारगेट लेके चलो तो फिर बोरियत फील नहीं होगा, क्योंकि जब होगा ना कि हमको 30 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना, तो देखा हुआ क्वेश्चन हो या अनदेखा हुआ क्वेश्चन हो वो सारा क्वेश्चन प्रेशर में आदमी सॉल्व करते हैं। तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, तुम बिल्कुल घड़ी लेकर के बैठो, उसमें अलार्म सेट करके रखो
और अलार्म से भी ज्यादा बेटर है टाइमर लेकर के बैठो, जो काउंटडाउन टाइमर होता है ना उसकी, उससे लेकर के बैठो। काउंटडाउन टाइमर में जब टाइम खत्म होता दिखेगा ना तो तुमको हड़बड़ी में काम करना पड़ेगा। उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो, ये क्वेश्चन एक बार गलती हो गया तो ऐसा थोड़ा गलती हो गया तो इसको दोबारा नहीं देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चन से गलती कर करके सीखना है, तुम लोग दोबारा नहीं देखते, तुम लोग को लगता है कि हम थोड़ा और एक बुक बना लेते हैं, थोड़ा और एक बुक बना लेते हैं, तो उससे सही नहीं होने वाला है। हम तो हम लोग के टाइम पे इतना बुक भी नहीं था, हम लोग के टाइम पे हम लोग एक्चुअल में बोल रहा अभी जो जे एडवांस जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है बट अच्छा रैंक नहीं आया, हम लोग उनसे अच्छे नहीं थे। हम लोग बस इतना मतलब रिसोर्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे कि हम ये भी बना लेंगे, हम ये भी बना लेंगे। हम लोग का जितना रिसोर्स था उसको अच्छे से हम लोग बनाते थे, हड़बड़ी में कभी काम नहीं किया, हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं बनाए, केवल एकदम हल्का हल्का बनाकर खुश रह गए। तुम्हारे में खैर हल्का ही बनाना है बट तुम्हारे में हल्का एटलीस्ट 3 से 4 या 5 बार बनाना होगा, नंबर तभी इंक्रीज करेगा। नंबर इस बार भी ठीक है लेकिन केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक था केवल, अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं था, मोस्टली सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था और उसमें नेगेटिव हो रहा है। लोग गलती इनऑर्गेनिक में ही करते हैं कि कहाँ फैक्ट होता है, फैक्ट याद नहीं तो याद नहीं है, याद नहीं तो उसको छोड़ो आगे बढ़ो, उसमें गलती थोड़ी ना करने का। हम जो स्कोर देख रहे हैं यहाँ पे वो दिख रहा है कि उसमें गलती हो रहा है, बायोलॉजी में गलती कर रहे हैं, बायोलॉजी में तो गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है, फैक्ट याद है तो याद है। तो क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, जैसे ही फुर्सत मिलता है क्लास नहीं है चुपचाप अपना टारगेट लेके बैठो कि हमको 50 क्वेश्चन और तुरंत तो उसका रिवीजन कर लेना है। 50 क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक को उठाया, 50 क्वेश्चन को टॉपिक के हिसाब से टाइम अलॉट किया और उसमें फटाफट सॉल्व किए। अब उसमें जितना बन गया 50 में 50 बने, 50 में 40 बने, उसमें 30 बने, उससे मतलब नहीं है। एक बार जो नहीं बना क्वेश्चन उनको फिर से अच्छे से देखना है और उनमें जो जो क्वेश्चन अच्छा लगा उसको मार्क करके रखो, नहीं तो कुछ मत करो, क्योंकि जब मार्क करके रखेगा तो अगली बार तुमको लगेगा अच्छा इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये मत करो कुछ नहीं, बस बुक क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सॉल्व करना शुरू किया, पेज में नंबर लिख लिया 1, 2, 3, 4 से 50 तक, सीधा पेज में लिख लिया उसको, और जैसे पेज में लिखा तो बस अपना उसमें आंसर लिखते गए और लास्ट में आंसर मिला के देख लिया। इस हैबिट को डेवलप करो, उसमें जो जो क्वेश्चन नहीं बना उन क्वेश्चन को अच्छे से वापस से सॉल्व कर करके देखो कि अच्छा इसमें क्या क्या गलती की है, अच्छा इसका ये कंसेप्ट होता है क्या। क्वेश्चन से लोग थ्योरी सीख जाते हैं भाई, कितने सारे लोग तो क्वेश्चन बना बना के थ्योरी सीख जाते हैं। तुम लोग एक छोटा सा हम एग्जाम्पल बताते हैं, 2015 की बात है, तेनू घाट जगह जानता है, पास में जगह यहाँ से हमको लगता है 20-25 किलोमीटर दूर, तेनू घाट सुना है? यस सर। तेनू घाट में जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल, हम 2015 में पेस के थ्रू पढ़ाने गए थे वहाँ पे, ऐसे 2 लेक्चर लेने के लिए गए थे। तो हम वही सोचे क्या पढ़ाएंगे पता नहीं है कुछ, तो हम मोल कंसेप्ट का बुकलेट लेके गए थे वहाँ पे, मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर था बुकलेट में, बोले चलो ठीक है क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। जो हम लोगों का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन थे वहाँ पे बेसिकली। तो हम जब पढ़ाते थे उन टॉपिक्स को, अरे बोकारो की बात कर रहे हैं जो हमसे सेंटर पे थे, जब पढ़ाते थे तो वो सब क्वेश्चन नहीं बनते थे किसी से, मतलब पहली बार में तो नहीं ही बनता था, और उसके बाद भी अगर तुम 2 बार 3 बार सॉल्व करके बता दो फिर भी अगर क्वेश्चन दे दो तो पूरे बैच में 1 लोग या 2 लोग मैक्सिमम बना पाएंगे। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, वहां पे 5 लोग सॉल्व कर दिए थे उस क्वेश्चन को, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब एक्चुअल में हमको पढ़ाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि हम बहुत दिन से सोच भी रखे हैं कि जब मेरा इधर सब कुछ स्टेबल हो जाएगा तो हम आराम से जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना मजा आता है पढ़ा के, स्टूडेंट लोग बहुत आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ ठीक है मतलब कुछ अच्छा वो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो 5 लोग क्वेश्चन बना लिए, तो मैं सही पूछेगा अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, हाँ सर, तो ले कौन कौन से बुक्स वगैरह पढ़ता है, तो एनसीईआरटी, नहीं पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी बट क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से सॉल्व करता है, सर एनसीईआरटी, और कोई बुक अरिहंत वगैरह से, नहीं सर और कोई बुक नहीं है, उनके पास और कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं है उनके पास, केवल एनसीईआरटी। और वहाँ पे 5 लोग वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन एडवांस लेवल के वो सब सॉल्व कर गए, जबकि यहाँ पे सेंटर पे अच्छा अच्छा हम लोग असाइनमेंट सॉल्व कराते हैं, उन लोगों से ये सब क्वेश्चन नहीं बनता। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो लोग वही एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सॉल्व किया, तो उनको हर एक क्वेश्चन में एक एक बेसिक्स बार बार सॉल्व करने से ज्यादा समझ में आ गया। तो केवल एनसीईआरटी पढ़ के जवाहर नवोदय, क्योंकि वहां पे इतना पैसा नहीं होता उन लोगों के पास, केवल लोग अरिहंत और सिंगेज खरीदे, केवल एनसीईआरटी होता है उनके पास, केवल एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के विदाउट एनी कोचिंग वो लोग आईआईटी में पहुंच जाते। मेरा रूममेट जवाहर नवोदय विद्यालय का था, बोला कि हम कोई कोचिंग नहीं लिए, और उसका 6,000 रैंक का रखा था एडवांस में, यहाँ लोग कोचिंग लेते हैं 2 साल इधर डीपीएस चिन्ह में पढ़ते हैं, 6,000 क्या 36,000 रैंक नहीं लाते हैं।
तो ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना होता, बड़ा गलत कंसेप्ट है लोगों के अंदर एकदम से, पता नहीं क्या हो गया है लोग और इंटरनेट वगैरह पे देख देख ना लोग और पागल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल गलत डायरेक्शन के हिसाब से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम का तैयारी सब कुछ नहीं है, काउंसलिंग बहुत मुश्किल चीज है, लोगों को काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता। हम पिछले हमको लगता है कि 6-7 दिन से बहुत परेशान है काउंसलिंग में, एक एक स्टूडेंट का काउंसलिंग कर करके मेरा दिमाग खराब हो रखा है कि ये करें कि ये ले ऑप्शन, कि ये ऑप्शन ले, कि ये ऑप्शन ले, समझा समझा के थक गए लोग, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो 2-3 लोग सजेशन मानते हैं, फिर 2-3 लोग सजेशन नहीं मान रहे, फिर परेशान हो रहा है, तो फिर हम लोग हम क्या करें। तो ये सब चीजें पढ़ाई के साथ साथ मल्टीपल चीजें जरूरी होती है, क्वेश्चन तुम लोग बार बार नहीं सॉल्व करता है, तुम लोग को लगता है कि थोड़ा ये भी बुक बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ से भी बना लेते हैं, थोड़ा वहां से भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं काम चलता है। रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट टाइम फाउंडेशन में सॉल्व करना है, ये नहीं कि हम फ्री में आराम से बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हैं, फिर काम नहीं हो पाएगा। पहली बार आराम से सॉल्व करो, पहली बार सीखना है, पहली बार हड़बड़ी नहीं है, बट उसी टॉपिक को जब दोबारा सॉल्व किया तो सेम क्वेश्चन रिपीट करो, लेकिन एक टाइम स्लॉट डाल दो कि अगर हम एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो दूसरे बार ऑब्वियसली बात हमको इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करें, तो बस उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए 50 मिनट का टाइम है, 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट का टाइम दिया, 60 मिनट का टाइम दिया, 30 मिनट का टाइम दिया और सॉल्व करने लगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी तो हमको लगता है कि 50 क्वेश्चन का 20 मिनट लगेगा तुम लोगों को सॉल्व करने में, 20 मिनट का टाइम दो, 100 क्वेश्चन कर लो तुम लोग 40 मिनट में, 40 मिनट 100 क्वेश्चन, या फिर 45 मिनट या 50 मिनट 100 क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एटीट्यूड लाओ, नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। तुम अच्छा एक चीज देखता है कभी भी, एक पैटर्न देखता है इंजीनियरिंग में, जो फ्रेशर्स होते हैं उनका रेशियो ज्यादा होता है, ऐसा भी नहीं होता कि फ्रेशर्स का रेशियो ज्यादा है, पास आउट वालों का भी रेशियो 60% होता है ऑलमोस्ट, बट मेडिकल में फ्रेशर्स का रेशियो बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे बड़ा सिंपल रीजन है। जैसे 11th क्लास में लोग क्यों लेते हैं मेडिक मेडिकल, क्योंकि उनको मैथ्स से दूर भागना होता है, मैथ्स उनको एकदम पल्ले नहीं पड़ता, फिजिक्स उनको समझ ही नहीं आता पहले साल में, उनको लगता है फिजिक्स बहुत भारी है, फिर जब 2 साल निकल जाते हैं तब पता चलता है ये भारी तो है लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा थोड़ा ना कि फिजिक्स में हम एक लेक्चर छोड़ देंगे उनको सब समझ में आ जाएगा, रेगुलर होना बहुत जरूरी है, उस वजह से लोग क्लासेस छोड़ते हैं, फिर और सब कुछ समझ से निकल जाता है तो उनका ऐसे ही खत्म हो जाता है सब कुछ। कुछ लोग वो सीरियस टाइप को इनका पहले बार में हो जाता है, बहुत रेयरली होता है, फिर उसके बाद पास आउट बैच में जब जाते हैं तो थोड़ा सीरियसनेस आता है, लेकिन फिर भी 1 साल में नहीं हो पाता, फिर पास आउट बैच में दूसरी बार एक और ट्राई करते हैं। तो जब एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ते तब जाके उनका स्कोर बढ़ता है, उनको समझ में आ जाता है कि पढ़ना तो यही है, कोई नया रिसोर्स से पढ़ के भी कुछ कर नहीं लेंगे, सवाल साल दर साल सेम ही आ रहा है, सेम एनसीईआरटी से आ रहा है। तो पहले साल में रियलाइजेशन नहीं होता, दूसरे साल में थोड़ा रियलाइजेशन होता है, लेकिन तब तक भी टाइम निकल जाता है, दूसरे साल भी हो जाते तो उनको लगता है ये कर ले ये कर ले ये कर ले, जब दूसरी बार एग्जाम देते तो लगता है यार आया तो वही सब रटा हुआ चीज, लेकिन हमको याद नहीं था। तो अगली बार जब तैयारी करते तो उनको मालूम होता है कि रट के ही काम करना है हमको, कुछ भी हो जाए रट करके अच्छे से करना है, तो फिर वो लोग बिल्कुल सोच लेते हैं हमको अब रट के काम करना है। तो नॉर्मली 3rd अटेम्प्ट में लोगों का सिलेक्शन होता है, और उसमें कोई गलती से अगर कुछ रह गया तो 4th अटेम्प्ट में लोग नॉर्मली अच्छा रैंक ले ही आते हैं। मेडिकल में रैंक अच्छे अच्छे लोग लेके आते हैं, फ्रेशर्स लोग बहुत अच्छा रैंक लेकर के नहीं आते, जबकि जेई एडवांस में या मेन्स में फ्रेशर्स लोगों का रैंक आता है, ड्रॉप आउट का रैंक अच्छा नहीं आता। इस चीज को समझो, रिपीटिशन करो, इतना नेगेटिव मार्क शो करता है कि पढ़ा हुआ सब कुछ है लेकिन आधा अधूरा पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है, ये शो करता है कि तुमको टॉपिक नहीं आता, चलो समझ में आता है कि टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ठीक है, नेगेटिव भर भर के कर रखा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा लाइटली सॉल्व कर रहे हैं। केमिस्ट्री में एडवांस के पेपर में, मेंस के पेपर में, मतलब मेंस में 25 में से 23-24 क्वेश्चन बनाया है सब लोग, और नेगेटिव कितना क्या 10-10 नेगेटिव कर रखा है, ये कौन सा पैटर्न है यार। 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मतलब आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन 9-10 नेगेटिव कर रहा है, तो आप केयरलेसली सॉल्व किया, हर इधर अपने टाइम पे केयरलेसली क्वेश्चन सॉल्व किए, और नहीं तो एग्जाम में भी केयरलेसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतना नेगेटिव थोड़े ना होता है पेपर में, नेगेटिव एकदम कम से कम होता है। तो इन क्वेश्चन को रिपीट करो, जो तुम्हारे बुकलेट में सवाल दे रखे हैं सरफेस केमिस्ट्री के, उन क्वेश्चन को रिपीट करो 2-3-4 बार बना करके सीखो उन चीजों को, तभी अपने आप टॉपिक सीख पाएंगे, रिविजन ऐसे ही किया जाता है। इसका रिजल्ट तो ठीक है ओवरऑल, और सुधांशु कॉन्स्टेंट हो गया है 550 नंबर पे जाके, 30 नंबर नीचे 20 नंबर ऊपर वहीं पर आ जाएंगे। काय भाई थोड़ा लाइफ में थोड़ा फन लाओ, थोड़ा कभी ऊपर थोड़ा नीचे जाओ कभी। जिसका तो केमिस्ट्री ठीक है, इसका बायोलॉजी में खराब नंबर है,
मृणाल बायोलॉजी में नंबर कैसे कम हो गया तेरा? बायोलॉजी में बिना 300 नंबर स्कोप नहीं है, बायोलॉजी में 300 नंबर लेकर के आने का है, बहुत कम भी नहीं है। केमिस्ट्री में नंबर थोड़ा कम है, उसमें भी नेगेटिव किया है, बट ठीक है, केमिस्ट्री में ओवरऑल स्कोर ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री का, क्या बोल रहा है, क्या हो गया यार, आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। चलो डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस का। सबसे पहला पार्ट तो हम लोगों का, अगर फोर्थ नंबर पे रिएक्शन कराते हैं तो फोर्थ नंबर वाले पार्ट में 2 डिग्री कार्बन दोनों एग्जैक्टली सेम है, और 2 डिग्री पे SN2 रिएक्शन होता है, तो किसी में भी SN2 कराओ, यहाँ पे आयोडीन लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, मतलब प्रोडक्ट में एक तो ये अल्कोहल बनेगा और दूसरा हम लोग का ये अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। 5 नंबर वाले पार्ट में 3 डिग्री कार्बन अगर दोनों 3 डिग्री है तो SN1 ही रिएक्शन होगा। जब SN1 होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट चेक कर लेना, तो रीअरेंजमेंट तो हमको नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे आराम से आयोडीन लगेगा और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन, मतलब एक तो टर्शियरी बिटेनॉल का फॉर्मेशन और दूसरा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन, इधर का कार्बन 2 डिग्री इधर का कार्बन मिथाइल 1 डिग्री लेके चलते हैं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के कॉम्बिनेशन में दोनों जगह SN2 होगा, पहले पे भी SN2 मतलब 2 डिग्री पे भी SN2 और 1 डिग्री पे भी SN2। फिर SN2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो मिथाइल वाला पार्ट, मतलब आराम से हम लोग इस मिथाइल वाले पार्ट पे रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करके इस आयोडीन का एडिशन, मतलब प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन और मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में एक कार्बन 3 डिग्री है और एक कार्बन 2 डिग्री है, 3 डिग्री पे SN1 होगा प्रेफरेबली और 2 डिग्री पे SN2, और 3 डिग्री के SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SN2, मतलब ओवरऑल यहाँ पे SN1 रिएक्शन इसी 3 डिग्री कार्बन पे होगा। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन, बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकैटायन बनाएंगे, लेकिन रिएजमेंट हो नहीं सकता, तो आराम से यहाँ पे आयोडीन का एडिशन करा के टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना सकते हैं और प्रोपेन 2-ol का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे एक 1 डिग्री दे रखा और एक 3 डिग्री दे रखा, 1 डिग्री पे SN2 का रिएक्टिविटी हाई होगा, 3 डिग्री पे SN1 का रिएक्टिविटी हाई होगा, तो किसको प्रीफर करें? तो एनहाइड्रस में SN2 होगा, तो जिसका 1 डिग्री रिएक्शन है उस पर रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा, मतलब 1 डिग्री पे आयोडीन का एडिशन होगा और दूसरे साइड से टर्शियरी बिटेनॉल का फॉर्मेशन। और जब हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HI वाले पार्ट में हम लोगों का नॉर्मल HI मतलब एनहाइड्रस वाला पार्ट नहीं दे रखा, तो SN1 रिएक्शन होगा, तो फिर 3 डिग्री पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे आयोडीन का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन, मतलब यहाँ पे आयोडीन और CH3OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। फिर PHOCH3, इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो लेफ्ट साइड में तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीएच के ऊपर ना SN1 रिएक्शन होता है ना SN2 रिएक्शन होता है, तो इधर कोई रिएक्शन नहीं होना है, बचा CH3 वाले पार्ट पे SN2 रिएक्शन होगा और यहाँ वाले पार्ट पे आयोडीन का एडिशन और बेंजीन के साथ OH ग्रुप चला जाएगा, PHOH और CH3I का फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में नो रिएक्शन, क्योंकि पीएच पे ना SN1 होगा ना SN2, दूसरे पीएच पे भी ना SN1 होगा ना SN2, तो किसी भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात करें है तो 2 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, मतलब SN1 रिएक्शन, और दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, तो एंटी एरोमेटिक पे तो रिएक्शन होना भी नहीं चाहेगा कार्बोकैटायन के थ्रू, और एंटी एरोमेटिक तो है रिंग है, तो SN2 का भी रिएक्टिविटी अच्छा नहीं रहेगा, तो SN1 ही होना है, आराम से इधर का बॉन्ड ब्रेक करके आयोडीन का फॉर्मेशन यहाँ पे करा सकते हैं, तो एक तो यहाँ आयोडीन का फॉर्मेशन और दूसरा इस 5-मेंबर रिंग वाले पार्ट में OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कंसिडर कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है किसी का तो आराम से पूछ लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग का एक रिएक्शन कितना टाइम हो गया, अच्छा टाइम हो गया, तो फिर हम लोग का एक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वाला टॉपिक एक बाकी रह गया है, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग का 2-3 मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन बाकी रह गया, एक हम लोग का E1 CB इलिमिनेशन,
हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन वाला पार्ट, ये दो रिएक्शन हम लोग का जैसे ही कम्प्लीट होगा तो एल्कोहल फिनॉल इथर एंड अल्काइल लेड पूरा ही कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस कर लिया, दोनों में से कोई एक टॉपिक हम आराम से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क में कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, नहीं ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम कुछ होमवर्क नहीं दे रहे हैं, अपना नोमेनक्लेचर वाला बुकलेट हो सके तो फिर से सॉल्व करके देख लो नोमेनक्लेचर और आइसोबेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में जब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर पढ़ाएंगे तो एक ही बार में बुकलेट दे देंगे, तो ज्यादा बेटर होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व वहीं से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।